आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज हमारा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का हवा में भार 4.9 न्यूटन तथा जल में पूर्णता डूबने पर भार 4 न्यूटन है, वस्तु पर लगता उत्प्लावन बल कितना होगा, उत्क्षेप भी बोलते हैं, ठीक है, कितना होगा। ठीक है, तो उत्प्लावन बल हमारा क्या होता है? उत्तर, मान लीजिए ये कोई टैंक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये कोई टैंक है, उसमें कोई वस्तु जो है डूबी हुई है, ठीक है, पूर्णता, और यहाँ मान लीजिए ये जल से पूरा भरा हुआ है, बस में बताया कि 4, ठीक है, जो हवा में, जो मान लीजिए पहले हवा में था ये वस्तु, जो हवा में थी, तो अब इसका भार कितना बता रहा है? 4.9 न्यूटन, ठीक है, और जब पानी में चला गया तब कितना हो गया? 4 न्यूटन, तो कितना, कितने कमी आई? 0.9 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्प्लावन बल क्या होगा? ठीक है, हमसे उत्प्लावन पूछा गया, तो उत्प्लावन बल क्या होगा? उत्प्लावन बल किसे बोलते हैं? उत्प्लावन बल उसको बोलते हैं जो वस्तु जो होती है जितने पानी को हटाती है, मतलब जल को विस्थापित करती है, जो जल का भार होगा वही उत्प्लावन बल हमारा होता है, उसके बराबर उत्प्लावन बल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वस्तु नीचे की ओर जितना बल लगाती है, ठीक है, इस जितना जल विस्थापित करती है, ये क्या है, ये हमारा mg हो गया, w, ठीक है, ऊपर की एक उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है, ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल, ठीक है। तो उत्प्लावन को हम लिख लेते हैं, एक इसके बराबर उत्प्लावन बल बराबर क्या होगा? उत्प्लावन बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार, वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार, जल का भार। अभी विस्थापित भार कैसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमको कितना विस्थापित किया होगा भार, तो कुछ 4.9 न्यूटन जो है वो पहले था और 4 बचा, तो मतलब हम दोनों को अगर घटा देंगे 0.9 न्यूटन जो है ना वो भार में कमी आई, तो मतलब यही हमारा इतना उत्प्लावन बल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कैसे, तो उत्प्लावन बल बराबर, उत्प्लावन बल बराबर क्या हो जाएगा? हवा में भार माइनस जल में भार, जल में भार, उत्तरावर्त के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह का सूत्र हमने बना लिया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब उत्प्लावन बल निकल आएगा हमारा, उत्प्लावन बल, ठीक है। तो वाई में कितना भार था? 4.9 न्यूटन, देखिए 4.9 न्यूटन, और हमारे पास जल में कितना भार था? -4 था, ठीक है। तो ये जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हमने हल किया, उत्प्लावन बल, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, ये उत्प्लावन बराबर 0.9 न्यूटन, ठीक है, और यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, 0.9 न्यूटन, यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।